नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। बाजार बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के संकेत ले रही है। इस वक्त लगभग 15-20 पॉइंट नीचे सिंगापुर वाली निफ्टी ट्रेड कर रही है। टेक्निकल लेवल्स मैं आपको बताऊंगा, जिनको सिर्फ ये जानना था कि बाजार कहाँ खुलेगी, मैंने आपको बता दिया। FIRDIs का डेटा भी आप सिंपली देख लीजिए, बिल्कुल न्यूट्रल सा डेटा है। FIRDIs ने लगभग बराबर की बिक वाली खरीदारी की है। तो बस वीडियो हुई खत्म। आप वीडियो लाइक कर लीजिए या डिसलाइक करके जा सकते हो। जिनको आगे की बातें जाननी है, सुननी है, लेवल जानने हैं, वो थोड़ा इंतज़ार कर लें। पहले एक स्टॉक दिखाता हूँ। स्टॉक से भी पहले एक बात आपसे करता हूँ। सवाल कितने कमाल कमाल के पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भाई साहब का ईमेल आया और बाकायदे उसमें लिखा था, सर आजकल 2000 की नोट मार्केट में दिखाई नहीं दे रही है, इसके पीछे क्या राज है, क्या षड्यंत्र है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है या नहीं। मतलब इतनी हंसी आती है। और मतलब अब लगभग फाइनेंस का ही सवाल है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो बंदे ने गलत सवाल पूछा, लेकिन भाई ये भी तो देखा करो किससे क्या पूछ रहे हो। फाइनेंस का मतलब कुछ भी, नोट भी पूछोगे कि कौन सी नोट सर्कुलेशन में नहीं है और उसका कारण क्या है, उसमें क्या षड्यंत्र है। मतलब मज़ेदार, मैनेजर साहब से पूछे हम, जो हमारे बैंक के मैनेजर साहब हैं, तो वो बताए कि नहीं सर सर्कुलेशन में है और बाकायदे है, थोड़ी सी कमी आई है। ठीक है, तो ये तो हो गया उनके सवाल का जवाब, लेकिन इंटरेस्टिंग था ना सवाल, मज़ेदार। उन्होंने तो षड्यंत्र का भी हाथ दे दिया था कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है, क्या सरकार को इसके बारे में पता है। मज़ेदार, कमाल। चलिए, डिक्सन का चार्ट इसलिए खुला है क्योंकि ये आपके लिए रहेगा कल इंट्राडे स्टॉक। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है तो हो सकता है आप इसको इग्नोर करना चाहो, लेकिन आपके लिए था ये स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक। और ये स्टॉक आज है 3% ऊपर। IRCTC परफेक्ट बेट थी और ये भी है 2.5% ऊपर। याद रखिएगा, मार्केट 1% भी नहीं चली है, ये सारे स्टॉक्स दुगना या दुगने से भी ज़्यादा भागे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट भी लगभग 2% ऊपर है मार्केट से, दुगना तेजी ये भी दिखाया है। इसके बाद एक और स्टॉक था DCM श्रीराम, और ये सब स्टॉक आपको स्विंग ट्रेड करने के लिए दिए गए थे। आई होप आपने कल की वीडियो देखी हो। ये भी स्टॉक 2.5% ऊपर है। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स थे, आप जाकर के वो वीडियो देख लेना। और ये सभी स्टॉक सिर्फ सिलेक्शन बेसिस पे, मतलब आप सेलेक्ट कीजिए, खरीद लीजिए और मार्केट को आउट परफॉर्म कर दीजिए, इसीलिए स्टॉक सिलेक्शन इतना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, उसके बाद सेटअप जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो डिक्सन और IRCTC, इन दोनों स्टॉक्स को आप कल इंट्राडे के लिए भी रखिएगा। अन्य इंट्राडे स्टॉक्स आपको बताएंगे, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए इग्नोरेंट दुनिया है, ठीक है, वहाँ पर एक तरीके का वो इग्नोरेंट होता है दोस्त कि मुझे मालूम है फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ, और दूसरा ये होता है कि कुछ डेटा पॉइंट मिस हो गया है या गलती हो जाती है। तो ये जो दूसरे नंबर वाली चीज़ है ना, ये बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ है कि आपने कोई चीज़ मिस कर दी और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, आपसे कुछ गलती हो गई, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अभी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बजाज ऑटो का जो बाय बैक आया उसके बारे में बात की। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि वो ओपन मार्केट का बाय बैक ऑफर है। तो ये जो इग्नोरेंस है, ये ऐसा है कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ यार गलती हो गई, तो मैं उसको सुधारूंगा। अब जो पहले टाइप वाला इग्नोरेंस होता है ना, बात उस पर होती है। और ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, अभी आप समझ जाओगे। वहाँ पर लोग कहते हैं कि मैं क्यों करूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक चम्मच से जो खाना लोग खाते हैं वो एकदम मूर्खतापूर्ण काम है। मूर्खतापूर्ण मतलब पार्टी आप जाकर देखो, वहाँ पर 100 लोग होंगे तो 95% पब्लिक चम्मच ही यूज़ कर रही होगी। मैं बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप समझना, साइंस भी इस चीज़ को प्रूफ कर चुकी होगी या प्रूफ कर देगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने और बहुत सटल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। एकदम छोटी सी बात है कि हाथ भगवान ने क्यों दिए हैं। जब आपके हाथ के जो नर्व्स होते हैं, नसें जो होती हैं, वो एक सेंसरी ऑर्गन को यूज करके आपके दिमाग को कुछ संदेश देती हैं कि ये ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है, उसी हिसाब से आपका जो सलाइबा है वो रिएक्शन करता है। मुझे नहीं पता, इस पर मैंने कुछ रिसर्च नहीं करी है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा सुना है। और मैं ये चीज़ पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस भी किया हूँ कि जिस दिन मैंने स्पून यूज़ किया, जिस दिन मैंने हाथ यूज़ किया, उन दोनों में मैंने डिफरेंस पर्सनल लेवल पे देखा है, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ। और ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, घर पे सब हाथ यूज़ करेंगे, लेकिन पार्टियों में। और सामने वाला कहेगा कि मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूँ, नहीं भाई, तुम मूर्ख हो और महामूर्ख हो, महा से महामूर्ख मैं आपको कह सकता हूँ। और आप में से भी, इवन मैंने भी ये काम किया है कि शोबाजी में, दिखावे में, यार सब लोग खा रहे हैं चम्मच से, मैं हाथ से खाऊंगा, हाथ में लगा रहेगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे लोग की ऐसी की तैसी, मैं अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दूं या नहीं। और स्वास्थ्य कितना बड़ा उपहार है भगवान का, नेचर का, वो हम कभी समझेंगे ही नहीं जब तक हम कुछ ना कुछ गंवा नहीं देंगे। कोई ना कोई बीमारी हमको जब तक ना जकड़ ले तब तक हम उसको नहीं समझेंगे, और बीमारी भी जकड़ ले तो हम एकदम इग्नोरेंट, अरे एक ही तो बीमारी हुई है, अभी 100-100 बीमारी पड़ी है, वो जब तक नहीं होंगी तब तक मैं नहीं सुधरूंगा। तो ये वाला इग्नोरेंस आपके पास नहीं होना चाहिए। और इसको मैं आपको मार्केट के संदर्भ में बता रहा था कि अगर मैं कहता हूँ कि दोस्त रूल्स पे स्टिक करना है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ बिना रूल के मेरी ऐसी की तैसी हो गई है,
मेरी हो चुकी है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। 100 बार नहीं, 1000 बार, 1,000,000 बार कहूँगा, वही चीज़ आपसे बार बार कहूँगा कि मत बनो इतने इग्नोरेंट, चीज़ों को देखो। सामने वाले बंदे पे आपको एक बार के लिए विश्वास तो इस पॉइंट पे करना ही पड़ेगा, लेकिन दिमाग में ये चीज़ घुसती नहीं है। गिरती हुई चाकू पकड़नी है, भागता हुआ स्टॉक एकदम फोमो में जा करके हमको पकड़ ही लेना है, न्यूज़ आ गई बाय बैक की, कूद पड़ो, कूद पड़ो एकदम। अरे न्यूज़ हमारे लिए तो आई, हमारे लिए तो प्रिपेयर की थी कंपनी ने, कंपनी को हमारी ही तो फिक्र है, और हम जब तक स्टॉक नहीं खरीदेंगे स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं। ये सब क्या कहूँ, इसके लिए श्रद्धा, डिवोशन की ज़रूरत होगी, और डिवोशन वो भगवान के प्रति नहीं, बाजार को आपको भगवान समझना पड़ेगा और समर्पित होना पड़ेगा। और जब डिवोशन होता है ना, मंदिर के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, आप कहीं पर भी जाते हो ना, कोई भी धार्मिक स्थल कोई भी हो, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वहाँ, वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई चप्पल पहन के जाएगा तो भगवान उसको कुछ डंडा उंडा मारने लगेंगे, नहीं, वो अपना कर्म बना लिया, ठीक है, हो सकता है कि उसको अन्य लोग मार के वहाँ से भगा, लेकिन मार्केट में ऐसे लोगों का स्वागत किया जाता है, आ गया इसी का तो पैसा हमको लूटना है, ठीक, तो ऐसे मत बनो। बाकी ट्रेडिंग जिस तरीके का बिजनेस है, वहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि कोई भी बिजनेस हो, हमें सामने वाले की जेब से ही पैसा निकालना होता है, सामने वाले की जेब से ही पैसा निकालना होता है कोई भी बिजनेस हो। और आपको सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोशिश कीजिए, और इसके लिए कोई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, एकदम एक एवरेज बंदा भी ना, बहुत एवरेज बंदा भी बेसिक सेटअप पे, बेसिक रूल्स पे एकदम आसानी से प्रॉफिट बना सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये जो कहावत है ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, बहुत बड़ी बात कहता है, और याद रखना इस चीज़ को, कॉमन सेंस इज रियली नॉट कॉमन, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए, ये हैं रेजिस्टेंस लेवल्स और ये हैं सपोर्ट लेवल्स। बैंक निफ्टी के लेवल्स आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस और यहाँ पर आपको सपोर्ट लेवल्स लिखे हुए मिल जाएंगे, 33707 है ये, इस पर आपको ध्यान रखना है, 1 मत समझ लीजिएगा, 519 है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि लिखावट में हो सकता है आपको कुछ गड़बड़ी दिखाई दे, लेकिन लेवल्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, और उनकी बैक टेस्टिंग आपकी जिम्मेदारी है करना। जो सीरियस है वो मजबूरी में ही करेंगे, क्योंकि मजबूर हो जाना पड़ता है, कभी कभी हो जाता ना, प्रेम में आदमी मजबूर हो जाता है। और जब खुद से आपको प्रेम होगा, खुद से जब प्रेम होगा, सच्चा वाला प्रेम जब खुद से होगा, तो आप मजबूर हो जाओगे बैक टेस्टिंग करने पे, रूल्स पे स्टिक करने से, आप भागोगे नहीं, कतराओगे नहीं, ठीक है। इंट्राडे स्टॉक्स आइसर मोटर्स सही जगह से टकरा के गिर रहा है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कम है, तो बाजार अगर चली तो भी बढ़िया। और ये जो लेवल जहाँ पर ये खड़ा है ना, 2835, वहाँ टूटा तो मज़ा आएगा, दोनों तरफ बढ़िया ट्रेड। बाकी आगे IEX पे फोकस रखना है, ACC और ZEAL, ये रहेंगे 5 स्टॉक, डिक्सन को लेकर के टोटल 6 हो गए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मंदिर में आने पर सर झुकना चाहिए, वीडियो लाइक करोगे तो वो आपका ही भला करेगी, सही जगह सर झुकाना सीख लो, शुरुआत में केवल नमस्ते करता हूँ आपसे, क्यों, क्योंकि मुझे पता है आपकी मेहरबानी से मेरे लिए ये लेवल्स इतनी आसानी से अवेलेबल हो जा रहे हैं। मैं इन्हीं लेवल्स को अकेले दम पे जब कैलकुलेशन में लाता था ना, जब खुद केवल अकेले करता था, तो मेरे 2.5 से 3 घंटे चले जाते थे, और अब आपकी बदौलत मुझे ये लेवल्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए वो नमस्ते निकलता है, इसीलिए वो अभिवादन निकलता है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपको कोई जादुई ताकतें आपकी मदद करने नहीं आ रही हैं, आप अपनी मदद खुद कर रहे हो, आपके आसपास के सराउंडिंग वाले लोग कर रहे हैं, और सच्चे मददगार को परखना बहुत ज़रूरी है, जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का अलाइनमेंट थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गया, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि कम कमाने और गम ना कमाने वाली बात भी यहीं से निकल करके आती है। और ये चीज़ जब आप फोकस कर लोगे ना, तो कोई भी पैसा ना आपका टारगेट नहीं बन पाएगा, वो खुला आसमान आपका टारगेट है। खुला आसमान देखे हो ना, उसकी मतलब लिमिटलेस है, ऊंचाई लिमिटलेस। मार्केट के प्रति सर झुकाना सीख लो, आधी बीमारी वहीं आपकी ख़त्म हो जाएगी, तुरंत की तुरंत ख़त्म हो जाएगी, बाकी आधी आप दूर करोगे अपने पुरुषार्थ से। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।